प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने आज भोले बाबा को लेकर एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट आई है उसके अंदर भोले बाबा को बचाया गया है, सरकार के द्वारा लिपापोती की गई है। जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट पीड़ित परिवारों को इंसाफ देने वाली कम और राजनीति से प्रेरित ज्यादा लगती है। भोले बाबा की भी जांच होनी चाहिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कहा था। अब इस मामले के अंदर भोले बाबा के वकील की भी प्रतिक्रिया सामने आई। भोले बाबा के वकील ने इस मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का यह बयान अराजकता फैलाने वाला है। उन्होंने कहा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान और उनके जो विधानिक है उनको क्रियाओं को नहीं मान रही है और उनका एक तरीके से आपको बता दें कि उन्हीं का विरोध कर रही है, ऐसे में इस बयान को वापस लेना चाहिए। इस मामले के अंदर भोले बाबा के वकील एपी सिंह का बयान है वो सामने आया। उन्होंने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का बयान काफी दुखद है। वास्तव में यह उनकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर विश्वास न करने वाली बात है। साथ में वंचित समाज के लिए दुखद है कि क्या गरीब मजदूर को आस्था विश्वास के अंदर रखने का भाई क्या भक्तिभाव वो नहीं कर सकते, क्या वो संगामन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि एक तरीके से जो भोले बाबा है उनको एसआईटी की जांच ने बिल्कुल निर्दोष माना है, तो आखिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी क्यों उन्हें उनके पीछे इस मामले को वापस लेना, इस बयान को वापस लेना चाहिए। ये वकील एपी सिंह के द्वारा बयान है वो दिया गया।